दोस्तों चलो, बारिश तेज़ हो और अपना टेंट पूरा भीगे उससे पहले लगा लेंगे भाई इसको। चलो फिट टाइम पे अपना टेंट भी सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। जी दोस्तों, जुकाम हो गया यार, ठंडा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो बारिश भी अभी बढ़िया आ रखी है, रिमझिम रिमझिम, है ना। फटाफट बराबर से आप टेबल वगैरह अपना सेट कर लेते हैं, बढ़िया सी अपना अंदर एंजॉय करेंगे। आज पूरे दिन भर बारिश है, तो देखो यार अगर अच्छी खासी बारिश हुई तो मज़ा आ जाने वाला है। अभी तो फिलहाल के लिए तेज़ बारिश हो रखी है जो कि मुझे चाहिए थी एक्चुअल में। बाहर साइड देखो कोहरा आ रखा है, देखो अब जो है कि फटाफट से यार कुछ हॉट हॉट सा अपने लिए प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ी सी ठंड दूर हो और बीमार ना पड़ो, तो उसके लिए ज़रूरी है भाई। चाय वाय पीने का तो मन नहीं है, बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ, तो कुछ देखते हैं क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्टर के लिए तो भाई कुछ हॉट ड्रिंक बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि अपनी थोड़ी सी हल्की सी जो भूख है वो भी कम हो जाएगी और हेल्दी का हेल्दी है ना। और साथ में जो है कि
पीने का भी हो जाएगा हॉट 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 ड्रिंक। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मेरा गैस खराब रखा था, तो इस बार थोड़ा सा सही करके ला रखा हूँ, है ना। अभी देखो दोस्तों, बारिश एकदम पूरी तरीके से रुकी हुई है ना। गरमा गरम दूध। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कुछ ऐसी ड्रिंक बनेगी जिसको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, तो बन चुकी है भाई। हेल्दी अपना एंड टेस्टी ऑल्सो। अब पता नहीं यार, ये जो चौकूज है ये हेल्दी होते हैं या नहीं करके मैंने तो देखा भी नहीं है, है ना। लेकिन कोई नहीं, मिल्क तो हेल्दी है भाई अपने लिए। आजकल मैं हेल्दी फूड्स ज़्यादा ले रहा हूँ। मैंने बहुत कम शुगर डाला था और ये फिक्स है यार, फिट है सच में। आराम से थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद जाकर के डिनर की तैयारी करेंगे अपने, है ना। उसके बाद जाकर के कुछ कुक करेंगे और बारिश में सोने का जो मजा है ना, वो है बहुत ही शानदार यार, मजा आता है सच में। रात होते होते इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि भाई पूछो मत। बाहर साइड एकदम चार कांधे रहा हो चुका है। देखो ये देखो इस तरफ, और काफी ज्यादा मतलब ठंडा है खैर अभी।
खोलने का कोई फायदा नहीं है। चलो यार कुछ कुकिंग वगैरह कर लेते हैं बैठे बैठे, ठंडा भी हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे पहले से भीग रखा था और बाहर साइड हवा चली हुई है, तो बाहर जाने का भी कोई फायदा नहीं है अभी। 1 2 3 के साथ ये सारा सेटअप हम चेंज करते हैं, 1 2 एंड 3। तो देखो अपना सेटअप पूरा चेंज हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पे अभी चॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ मैं। चलो जी दोस्तों टमाटर की बारी है। ऑलिव ऑयल तो मैं इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो इसलिए जो है कि ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। और मेरा गैस स्टोव तो भाई हो चुका है ख़राब, ये ना पूरा बर्तन को काला बना दे रहा और कुछ नहीं। में लहसुन हो गए, एक अलग ही खुशबू है यार मस्त वाली। अब डाल देंगे भाई हरी मिर्च, है ना। बढ़िया, थोड़ी तेज करते हैं। थोड़ी सी हल्दी एंड लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सब कर देंगे भाई मिक्स। एक और मिक्स कर लेता हूँ यार, क्योंकि ना ग्रेवी अपनी काफी ज्यादा हो रही है। देखो भाई कितना सन्नाटा छा रखा है यार आसपास, है ना। चलो जी दोस्तों अपने लिए इतना इनफ है ना। देखो शक्ल देख लो यार कितनी अच्छी लग रही है। साथ में मैंने जो रोटी बना ली थी ना वो दिखाता हूँ। ये देखो जी दोस्तों यार रोटी बनाई थी मैंने, आज मैं बीमार होता हूँ पक्का।
चलो यार, हालत तो हो चुकी है डाउन सच बताऊं तो। और अपना भाई खाना लपेटना शुरू करते हैं। खुशबू तो का काफी अच्छी आ रही है। लेट्स ट्राई इट। वाओ, ठीक बना है मतलब। रोटियां थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, हल्की ज्यादा तो नहीं, लेकिन भाई अपनी एग भुर्जी गर्म है तो इस वजह से काम चल जाएगा अपना। चीज की बात करूँ तो मतलब एवरेज है। सारा तामझाम ऐसे फैल रखा ना भाई, कल इसको साफ करने में हालत डाउन होने वाली है मेरी। तो चलो यार फिनिश करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा तामझाम संभालता हूँ, उसके बाद। क्या आराम मिल रहा है, क्या सुकून मिल रहा है यार। बैठे बैठे ना कमर थोड़ी सी दर्द सी हो जाती है। चलो जी। ओए होए, क्या आराम मिला भाई कमर को सच्ची में। ठंडा हो गया भाई बहुत ज्यादा। अच्छा, तो चलो यार इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम, गुड नाइट। Yeah.